नमस्ते दोस्तों, आज मैं एक लंच ब्लॉग लेके आई हूँ। तब बताइएगा कि मेरा ये ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा। आज संडे था तो मैं आज हस्बैंड के साथ लंच पे जा रही हूँ। तो हम लोग तैयार होके निकल चुके हैं। लंच के लिए हम जा रहे हैं हमारे घर के पास ही कल्याणी जगह है, जहाँ पे भूते राजा दिलोबर बोल के एक रेस्टोरेंट है। तो वहीं पर हम लोग जाएँगे, जो कि हमारे घर के 20 मिनट की दूरी पर पड़ता है। तो थोड़ी देर बाद से ही हम पहुंच गए हैं। गाड़ी हम लोग ने थोड़ा दूर पार्क किया है, क्योंकि वहाँ पे पार्किंग का जगह फुल हो चुका था। तो इसीलिए हम लोग गाड़ी पार्क करके पैदल पैदल रेस्टोरेंट के तरफ निकल चुके हैं। जैसे ही मेन गेट पे हम लोगों ने आया, तो वहाँ पे नाम रजिस्टर कराना पड़ता है, साथ में नंबर भी देना पड़ता है, और कितने लोग हैं वो भी लिखवाना पड़ता है, जो कि हस्बैंड लिखवा दिए और हम लोग अंदर की तरफ चले। जैसे ही अंदर की तरफ गए, सच में बहुत ही सुंदर रेस्टोरेंट था और इतना सुंदर से सजाया गया था कि क्या बताएं। और इस रेस्टोरेंट की एक खास बात ये है कि यहाँ पर जब भी आपको खाना मिलेगा, तो पहले अपने पार्टनर के साथ ताली बजाना पड़ेगा, तभी खाना आपको देगा। तो मैं तो बैठ के पहले चारों तरफ अच्छे से देख ली हूँ, और खाने का ऑर्डर आने में भी टाइम था। पहले पानी का बॉटल आ गया, तो चारों तरफ ये देखिए, आप लोग भी देख लीजिए, बहुत सुंदर से डेकोरेट था। साथ में धीरे से एक म्यूज़िक भी चल रहा था। और ये रहा, हम लोग बैठ चुके हैं। साथ में चलिए अब थोड़ा सा मेनू कार्ड भी देख लिया जाए। तो मैंने मेनू कार्ड उठा लिया है, सभी आइटम को मैंने देख लिया, उसके बाद से मैंने ऑर्डर भी कर दिया। दोपहर का टाइम था तो लंच था, तो स्टार्टर्स हल्का ही बोली मैं, स्टार्टर्स में मैंने फिश फ्राई बोला और साथ में लंच का भी ऑर्डर दे दिया। ये रहा, हस्बैंड भी पूरी तरह से फ्री होकर बैठ गए खाने के लिए। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले एक बोल दिया गया, उसके साथ में ही हमें नींबू, मिर्चा, नमक ये सब भी दे दिया गया। उसके बाद से हमारा थाली आया। जैसा कि पहले ही मैंने बताया था कि जब तक ताली नहीं मारेंगे तब तक वो थाली नहीं देंगे, तो हम लोगों ने ताली मारा। फिर हमारा सबसे पहले स्टार्टर्स आया, ये देखिए फ़िश फ्राई, जो कि सच में इतना टेस्टी था कि मैं क्या बताऊं। मैंने फ़िश फ्राई बहुत जगह खाया था, लेकिन यहाँ के फ़िश फ्राई में फ़िश का जो लेयर होता है ना, वो काफ़ी अच्छा उसमें लग रहा था कि हाँ फ़िश फ्राई है। तो दिख ही रहा है, एकदम गर्मा गर्म है, धुआं निकल रहा है। तो मैंने पहले फ़िश फ्राई लिया, उसको डिप किया, साथ में यहाँ पे सरसों की चटनी थी, जिसको यहाँ पे कासुंदी बोला जाता है, खाई। सच में बहुत टेस्टी था। मैं तो बहुत एक्साइटेड थी। मैंने दो से तीन खा ली। उसके बाद से मैंने लंच में ऑर्डर किया है, ये देखिए मछली है, साथ में ये है पाथुरी। ये एक बंगाली डिश होता है। इसको ना मछली को ना सरसों के मसाले के साथ केला पत्ता में लपेट के, और इसको भाप के बनाया जाता है। तो इसको यहाँ पे भापा बोलते हैं। इसके लिए यहाँ पे भेटकी मछली होता है, वही यूज किया जाता है, जो कि सच में बहुत टेस्टी था। मैंने तो सबसे पहले इसी से खाना शुरू किया था। आप देख लीजिए, इसमें फ़िश का भी, फ़िश तो एकदम फ्रेश था, कोई बासी फ़िश नहीं था, फ़िश एकदम फ्रेश था और बहुत टेस्टी था। एकदम मोटा सा लेयर था, जो कि बहुत, मुझे तो सबसे अच्छा लगा यहाँ का ये डिश। तो मैंने पहले उसी से खाना शुरू किया। तो ये देखिए चावल पहले सर्व हो चुका है, इसके साथ मैंने फिश पाथुरी लिया और सच में खाना स्टार्ट किया, तो एकदम से ऐसे लगा वाह क्या टेस्टी है। तो उसके बाद से मैंने क्या किया कि थोड़ा थोड़ा करके मैंने वो जो मछली लिया था उसको भी मैंने ट्राई किया। उसके बाद से हम चिकन लिए थे, उसको भी हम लोगों ने ट्राई किया। मटन मैंने ऑर्डर नहीं किया, क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड को मटन खाना अभी अवॉइड करना है उनको, तो इसके लिए हम लोगों ने चिकन ही ऑर्डर किया था। सच में बहुत हर एक आइटम बहुत टेस्टी था। खाने के बाद से ये रहा माउथ फ्रेशनर, इसके साथ पान भी था और चीनी और सौंफ भी था। तो अगर आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगा तो आप लोग बताइएगा। लंच ख़त्म करके निकल चुके हैं, चले हैं हम लोग अपने रास्ते की तरफ। तो बताइएगा कैसा लगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।